नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लिक। पंजाब के इलेक्शन कवरेज के दौरान हम आ पहुंचे हैं शहीद भगत सिंह नगर जिले के जैनपुर गांव में। हम आपको इस गांव में क्यों लाए हैं, इसकी एक खास वजह है। इसकी वजह यह है कि पिछले एक साल में यहां पे 19 बच्चों ने ड्रग्स के कारण अपनी जान गंवाई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं कुछ लोग जो बताएंगे कि ये समस्या कितनी विकराल हो गई है और वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे गांव में नशा बहुत बिकता था, जिससे हमारे गांव में 10-12 बच्चे मौत के घाट में उतर गए। जो कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, उन्होंने भैनों नूं रखड़ी बन्नने भी कोई वीर नहीं रहा। हाँ जी, बताइए कि यहाँ पर नशा कितनी बड़ी समस्या। नशा तो बहुत हुआ भरावा, नशे दिन को गल हैगी। नशे की समस्या तो यहाँ है ही बहुत ज़्यादा है, हर गांव में, जहाँ भी है, हमारे गांव में भी है और जितने भी आड़े दौड़े गांव है सब में है। ये आज की बात नहीं है, ये हमारे गांव में पूरे 7-8 साल की समस्या है। पिछली साल अकाली सरकार में भी इसी तरह रहा, 5 साल तक सरकार बदल भी गई है, कांग्रेस की सरकार आ गई, तब ही इसी तरह ड्रग जो बच्चे ला रहे हैं। कि ये जो बच्चे मरे हैं यहाँ पे, ये आप ही के साथ, आप ही लोगों के साथ पले बड़े होंगे? जी जी सर, तो हमारे साथ ही पढ़ते थे। तो ये दुख भी होता है? दुख तो होएगा सर, अपने हमारे साथ जो क्लास फेल होते हैं, हमारे साथ पढ़े होते हैं, वे दुख तो थोड़ा तो होएगा ही जी सर। इसलिए पहले तकरीबन 4-5 साल पहले 20-25 इतने आदमी हमारे साथ नशे के साथ मरे हुए हैं जी। ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਆਹ ਦੇਖ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। 9 ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰੇ ਸਭ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਪੂਰਾ ਜੰਕਚਰ ਹਮਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗਾਂਵ ਮੇ 25 ਮੈਕਸੀਮਮ 25 ਪੂਰਾ ਆਲ ਜੰਗ ਪੂਰਾ। एजुकेशन पर्सन भी उसमें, जो मीडियम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा वो भी नशे में गया है। ओनली जो यूरोप सेटल हो गया, दुबई चला गया, वही बच्चा है, नहीं तो पूरा ऐसा ही हालात है। सारे पर पैदा, छोटे छोटे बच्चों पर भी, इतने 18-20 तो मुंडे उदा मरे है, कोई चिट्टा खा के मरिया, कोई टीके ला के मरिया, यह जो साढ़े पिंड नशा आता तद ही मरे, किसी ने नहीं इदा की रोक लाई अज तक, नहीं लाई। हमारे कोई MLA बनता, कोई मंत्री बनता, वो सारे नशा ही बेचते हैं। पहले अकाली सरकार थी, वो जे सरकार चाहे ये चीज़ जितों आनी बनती है उत्थे बंद कर देना, आप नशे रुक जाना, बंद तो वो करते नहीं है। पूरी समस्या के लिए हम तो गवर्नमेंट नूं जिम्मेवार समझते हैं, है मौके की सरकार, जे दा राज दा अकालियां दा उही जिम्मेवार वा। जो पिछले 10 साल अकाली भाजपा के रहे हैं, सबसे बड़ा बढ़ावा जो है, उन्होंने नशे को देख के नौजवानों को इसी तरफ लगा दिया और पिछले 10 साल में इतना बढ़ा दिया कि हाई पीके पे चला गया। लेकिन हकीकत यह है कि इतना गंभीरता से उसको देखा नहीं गया पीछे। तो जब कैप्टन सरकार आई तो उन्होंने प्रण किया कि हम इसको सबसे पहले जो ख़त्म करेंगे। तो अभी बहुत बड़ी तादाद पर जो है नशे को ख़त्म किया गया है। इवन कि जो ड्रग के मेडिसन्स थे, वो भी डॉक्टर जब तक नहीं उसको करते तब तक वो मेडिकल स्टोर जो है उस पर जो है ड्रग्स के जो मेडिसन है वो भी बेच नहीं सकते। तो उस वजह से अभी नौजवान जो है, क्योंकि उनको लत लग रही है, वो रह नहीं सकते, तो वो अपने को बचाने में अब कई बार वो गलत कोई नशा या कुछ गलत ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई की जाने चली गई। ये बहुत अपने आप में एक बहुत गंभीर मुद्दा है। असं चाहते सी कि सरकार बंद करे, लेकिन बंद नहीं हो, नशे बंद नहीं हुए। असं हुण दी सरकार नूं भी करदे कि जिहड़ा नशियां दे व्यापारी आ, बड़े बड़े आ, इन्हां बच्चों जिहड़े गलत पासे ला रहे, जिहड़े मगरमच्छ आ, उन्हां मगरमच्छां नूं नत्त पाई जावे, कि ये साडे पंजाब नूं पूरी तरह बचाया जावे, ये नशे दे ਕੋੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।